हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कथित तौर पर पैसे वसूलने के मामले में UPSTF लगातार कार्रवाई कर रही है। अब हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं से जुड़ी कंपनियां भी STF की जांच के दायरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि STF ने 18 कंपनियों की लिस्ट तैयार की है। अब इन कंपनियों के निदेशकों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया गया है। STF को जानकारी मिली है कि हलाल सर्टिफिकेट देने से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा इन कंपनियों में भेजा जा रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि ये संस्थाएं गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांट रही थी। STF की एक टीम ने इस मामले को लेकर हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े 4 लोगों को हाल ही में गिरफ्तार भी किया था। STF चीफ अमिताभ यश ने तब बताया था कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास किसी भी सरकारी निकाय से मान्यता नहीं है। देने वाली एजेंसीज ने बिना उनके यहाँ ना कोई प्रोडक्ट सैम्पलिंग किया ना कोई जांच की, सिर्फ पर प्रोडक्ट एक सर्टेन अमाउंट लेकर के उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट जारी करने वाली एक सर्टिफिकेशन सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्टिफिकेशन बॉडी हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से पूछताछ की गई। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने उनके पास कोई लैब नहीं है, इसके अलावा उन्होंने कोई सैम्पलिंग भी नहीं की, ना ही किसी फैक्ट्री को विजिट किया और ना कोई प्रोसेस चेक किया। उन्होंने एक अमाउंट के बदले में सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं और इसके साथ ही वो किसी को भी सर्टिफिकेट्स देने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा ऑथराइज भी नहीं किए गए हैं। NABCB नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी जिस प्रकार की सर्टिफिकेट जारी करती है या किसी एजेंसी को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट देने के लिए अलाउ करती है, तो इस एजेंसी द्वारा हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है। एक तरह से इन कंपनीज को ये जो कंपनीज इनकी शिकार बनी उन्हें ये कन्विंस किया गया कि अगर उनके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एक सर्टेन सेगमेंट पॉपुलेशन का सेगमेंट उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा, वो मार्केट शेयर लूज करेंगे और बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की एक वेल्ड थ्रेट के साथ ये वसूली की गई है इन एजेंसीज द्वारा। गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांटने के मामले में कई सरकारी विभाग की संलिप्तता की बात भी कही जा रही है। सर्टिफिकेट बांटने की अनुमति देने वाले अधिकारी भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि STF जल्द इन्हें भी तलब कर सकती है। इधर ED भी जल्द हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों की जाँच शुरू करने की तैयारी में है। इस मामले में करोड़ों की फंडिंग इधर से उधर होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय भी संज्ञान लेकर इस पूरे मामले में हुए गैर कानूनी आर्थिक लेन देन की जांच कर सकती है। बताया जा रहा है कि अब तक हुई इन्वेस्टिगेशन की जानकारी को लेकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत STF केस दर्ज कर सकती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।